हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर चीन को मिलेगा करारा जवाब। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LSC के पास तैनात किए हैं बोफोर्स तोप। जी हां दोस्तों, बताएंगे कारगिल के युद्ध में इसी हथियार से पाकिस्तान को किया गया था चित। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर, सबसे ब्रेकिंग न्यूज आपको बताएंगे। दोस्तों अभी चाइना को बड़ा जवाब देने वाला है, भारत भी पीछे नहीं हटने वाला। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर क्या है और एकदम से कैसे भारत ने इन सभी बोफोर्स तोपों को यहाँ पहुंचाया है। दोस्तों बड़ी जानकारी आपको देंगे, साथ ही अगली खबर में बताएंगे जहाँ पर कहीं पत्थरबाज तो नहीं कर रहे टारगेट किलिंग, अब रसूखदार भी है जांच एजेंसी के निशाने पर। बताएंगे क्या है खबर, उससे आगे आपको बताएंगे। दोस्तों जहाँ पर यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में चीन की आलोचना कर रही थी भारत की डिप्लोमेट, अचानक बंद कर दिया माइक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे सबसे बड़ी खबर आपको, जहां पर चाइना का ही एक करतूत माना जा रहा है, जहां अचानक बंद हुआ माइक। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे पूरी खबर ये भी आपको, साथ ही आगे बताएंगे जहां तालिबान ने पहली बार भारत को लेकर किया है ये बड़ा दावा, क्या दावा किया है दोस्तों बताएंगे ये भी। साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों, जहां इमरान खान ने अपने तोहफे में मिली घड़ी को भी बेच डाली। जी हाँ, विपक्षी दलों ने संपत्ति बढ़ाने का लगाया आरोप, पाकिस्तानी PM को सुनाई खरी खोटी। बताएंगे क्या क्या कहा गया है दोस्तों, और कैसे तोहफे की घड़ी तक इमरान खान ने बेची है, बताएंगे इनकी हालत की कहानी आपको। साथ ही बताएंगे जहां दिवाली छठ से पहले यात्रियों को बड़ी राहत, दो जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा रेलवे, बताएंगे कौन सी वो दो जोड़ी ट्रेन है दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जो भाई बहन लोन, होम लोन लेना चाहते हैं दोस्तों, उनके लिए सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है यह बैंक, कौन सा बैंक है इस लिस्ट की पूरी जानकारी आपको देंगे। इसीलिए बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेना में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। दोस्तों साथ ही मोदी जी हैं तो हर चीज संभव है। तो फटाफट से इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां चीन को मिलेगा करारा जवाब। सेना ने अरुणाचल प्रदेश में LSC के पास तैनात किए हैं बोफोर्स तोप। जी हाँ, करगिल युद्ध में इसी हथियार से पाकिस्तान को किया गया था चित। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अरुणाचल प्रदेश में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LSC के पास बोफोर्स तोपे तैनात कर डाली है। भारत ने अरुणाचल के सीमावर्ती इलाकों में बोफोर्स तोप को तैनात करने का ये कदम ऐसे समय में उठाया है जब पूर्वी लद्दाख के इलाके में चीन के साथ पिछले कई महीनों से गतिरोध जारी है। बताया ये जा रहा है कि ये बोफोर्स तोप अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगे अग्रिम चौकियों पर तैनात किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमा पर अपनी निगरानी बढ़ा दी है। दोस्तों चीन की किसी भी चालबाजी का किसी भी समय मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इसके तहत LSC पर अग्रिम इलाकों में बोफोर्स तोपों की तैनाती की गई है। दोस्तों न्यूज एजेंसी INS ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि सेना ने विमानन विंग के एयर फायर पावर को भी मजबूत किया है। बोफोर्स तोपों के बारे में याद आपको दिला दे कि ये वही तोपे हैं जिन्होंने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटाया था। दोस्तों बोफोर्स तोपे 27 किलोमीटर की दूरी तक गोले दाग सकती है। बोफोर्स तोप की गिनती दुनिया के सबसे घातक तोपों में होती है। दोस्तों हल्के वजन के कारण इसे युद्ध भूमि में कहीं भी तैनात करना और यहाँ वहाँ ले जाना आसान होता है। 155 मिलीमीटर लंबी बैरल वाली ये तोप 1 मिनट में 10 गोले दागने की ताकत रखती है। दोस्तों तोप की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इससे -3 डिग्री से लेकर 70 डिग्री के ऊंचे कोण तक फायर करने की है, और इस खासियत से ये तोप पहाड़ी इलाकों में बहुत उपयोगी माना जा रहा है दोस्तों, और माना ही नहीं जा रहा बल्कि ये बहुत उपयोगी साबित भी हुआ है। ऐसे में भारत ने LSD पर ये इन तोपों की तैनाती करके बता दिया है कि हम भी नहीं रुकने वाले, अगर तुम हथियारों का जखीरा बढ़ाओगे तो हम भी नहीं पीछे हटने वाले। लेकिन दोस्तों सब में बड़ी बात कि अब तक ऐसा कभी देखने को नहीं मिला था दोस्तों कि चाइना ने इतनी भारी संख्या में अपने फोर्सों को और अपने साजो सामान यानी कि हथियारों को इतने मात्रा में कभी नहीं बढ़ाया दोस्तों। और ऐसे में भारत ने भी पहले से पूरी तैयारी
कर ली है और अब भारत और भी ज्यादा मजबूत हो गया दोस्तों। लेकिन मानना और देखना ये होगा कि आखिर चाइना कोई बहुत बड़ा गलत कदम पहले ना उठा ले दोस्तों, क्योंकि अब अगर चाइना ने कुछ भी कदम उठाया तो भारत अपना असली रंग अवश्य दिखाएगा। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों आप लोग, क्या राय सुझाव होगी आप किस पर, बताइएगा जरूर। अगर आपको भी अपने भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है तो हमारी भारतीय सेना एक नंबर कहना मत भूलिएगा। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां जम्मू कश्मीर से खबर कहीं पत्थरबाज ही तो नहीं कर रहे टारगेट किलिंग। जी हां दोस्तों, अब रसूखदार भी है। जांच एजेंसी के निशाने पर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में ANI द्वारा बड़े पैमाने पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें जांच एजेंसी के निशाने पर आतंकी संगठन और उनके मददगार है, खासतौर पर वे आतंकी संगठन जिन्हें हाल ही के दिनों में नया नाम दिया गया है। ये आतंकी संगठन कश्मीर में हुई टारगेट किलिंग के अलावा सुरक्षा बलों के साथ हो रही मुठभेड़ की जिम्मेदारी भी ले रहे हैं दोस्तों। जांच एजेंसी से जुड़े सूत्र बताते हैं कि इस बार रसूखदार भी नहीं बचेंगे। घाटी में पत्थरबाजी के चलते जिन युवाओं के खिलाफ केस दर्ज हुए थे, अब उनकी फाइलें दोबारा से खोली जा रही है। और कश्मीर में पिस्टल की मदद से जिस तरह सिविलियन को मारा गया है, उससे जांच एजेंसियों के सामने कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं दोस्तों। क्या टारगेट किलिंग का टास्क लोकल युवाओं को दिया गया है? जांच एजेंसियों इस पॉइंट को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जो अगली खबर आ रही है इसी से जुड़ी, जहां बिहारी मजदूरों की जान लेने वाले लश्कर के दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है दोस्तों, और 12 घंटे के अंदर 4 आतंकियों को मार गिराया गया है। बता दें जम्मू में निहत्थे आम नागरिक और गैर कश्मीरी गरीब मजदूरों की हत्या करने वाले आतंकवादियों के दिन अब लद गए हैं दोस्तों। सुरक्षा बलों ने बुधवार को कश्मीर घाटी में 4 दहशतगर्दों को मार गिराया है, जिन्होंने हाल ही में बिहारी और उत्तर प्रदेश के मजदूरों की हत्या की थी। दिन में शोपिया में लश्कर ए तैयबा के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF के 2 आतंकी मारे गए, तो शाम को लश्कर ए तैयबा के 2 और आतंकियों को जन्नुम पहुंचा दिया गया। ऐसे में कांग्रेचुलेशन इंडियन आर्मी कहना मत भूलिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूनाइटेड नेशन के प्रोग्राम में चीन की आलोचना कर रही थी इंडियन डिप्लोमेट, अचानक उनका माइक ही बंद हो गया। जी हां दोस्तों, भारत ने हाल ही में संपन्न हुए दूसरे संयुक्त राष्ट्र सतत परिवहन सम्मेलन में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI और इसकी परियोजना चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC का कड़ा विरोध किया है। जी हां दोस्तों, हालांकि जहां जब भारतीय डिप्लोमेट इन विवादास्पद परियोजनाओं के खिलाफ भारत की आपत्तियों को रेखांकित कर रही थी, तभी अचानक माइक बंद हो गया। बता दें 14 से 16 अक्टूबर के बीच चीन की मेजबानी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र की बैठक में अचानक माइक में गड़बड़ी आ जाने के बाद उसे ठीक करने में कई मिनट लग गए, यहां तक कि अगले वक्त का वीडियो स्क्रीन पर शुरू हो गया। लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र अवर महासचिव लियो झेनमी ने रोक दिया, जो चीन के पूर्व उप विदेश मंत्री है। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर, और ऐसे में दोस्तों ये साफ देखा जा रहा है कि चाइना ने यहां पर बहुत बड़ा गेम खेला है दोस्तों, और भारत चाइना की आलोचना कर रहा था, उसको आईना दिखाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। और इसी बीच चाइनीज पूर्व उप विदेश मंत्री द्वारा दोस्तों ये भारत के बयान को रोक दिया गया है दोस्तों, माइक बंद होने का कारण देख। अगर आप भी ऐसे में मानते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं इसमें भी चाइना की बड़ी चाल हो सकती है, तो ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, हमारी मेहनत को सफल करने के लिए। बात कर अगली बड़ी खबर की, तो तालिबान ने पहली बार भारत को लेकर किया है बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अफगानिस्तान मुद्दे के लिए मॉस्को फॉर्मेट मीटिंग बुलाई है। साल 2017 में शुरू हुए मॉस्को फॉर्मेट को अफगानिस्तान के मुद्दे को लेकर बनाया गया था। इस बैठक में शामिल होने के लिए अमेरिका, चीन, भारत, ईरान और पाकिस्तान समेत 10 देशों को निमंत्रण भेजा गया था। अफगानिस्तान में सत्ता हासिल करने के बाद ये पहली बार है जब रूस इस मीटिंग का आयोजन कर रहा है, और तालिबान के अफगानिस्तान में नियंत्रण के बाद ये पहली बार है जब भारतीय प्रतिनिधि मंडल और तालिबान के अधिकारी एक दूसरे के आमने सामने आए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस मीटिंग के दौरान भारत के प्रतिनिधि मंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए अफगानिस्तान को मदद पहुंचाने का निर्णय लिया है। तालिबान के आधिकारिक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने
ने अपने ट्वीट में इस बात को साफ किया है कि भारत अफगानिस्तान की मदद करने के लिए तैयार है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि मास्को में हुई बैठक में भारतीय अधिकारी ने कहा है कि अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर। क्या लगता है आपको, क्या भारत अफगानिस्तान की सही में मदद करेगा? दोस्तों अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर इमरान ने तोहफे में मिली घड़ी तक बेच डाली। जी हाँ दोस्तों, विपक्षी दलों ने संपत्ति बढ़ाने का लगाया बड़ा आरोप। पाकिस्तानी पीएम को सुनाई खरी खोटी। जी हाँ दोस्तों, बता दे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नए आरोप में घिर गए हैं। दोस्तों देश के विपक्षी दलों ने बुधवार को आरोप लगाया है कि वे दूसरे देशों के प्रमुखों से मिले तोहफे बेच डाले हैं। इनमें $10 लाख की कीमत की घड़ी भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, इसकी कीमत पाकिस्तानी रुपए डॉलर के मुकाबले कौड़ी के भाव को देखते हुए 17 करोड़ पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा है। विपक्ष ने इमरान पर विदेशों से मिले तोहफों को बेचकर अपनी संपत्ति बढ़ाने का बड़ा आरोप लगाया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर अमेरिकी परमाणु बॉम्बर B-1B को रूसी लड़ाकू विमानों ने ऐसे घेरा, वापस लौटने को हुआ मजबूर। जी हाँ दोस्तों, रूसी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा है कि रूस ने काला सागर के ऊपर उड़ान भर रहे अमेरिका के B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर को खदेड़ने के लिए अपने 2 सुखोई SU-30 लड़ाकू विमानों को भेजा था। अमेरिका के B-1B लड़ाकू विमानों को शीत युद्ध के दौरान परमाणु बमों को लेकर जाने के लिए डिजाइन किया गया था। हालांकि अब ऐसे विमानों में केवल पारंपरिक हथियार ही तैनात है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, तो जब इजरायली पीएम नफ्ताली बेनेट ने भारत की है तारीफ। जी हाँ दोस्तों, कहा वी लव इंडिया। जी हाँ दोस्तों, यानी हम इंडिया से प्यार करते हैं। बता दे इजरायली दौरे पर पहुंचे भारतीय विदेश मंत्री SJ शंकर ने प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट से मुलाकात की। इस दौरान इजरायली पीएम की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे पर खुशी देखते ही बनी। जी हाँ, उन्होंने जयशंकर के साथ मुलाकात में कहा कि मैं इजरायल के लोगों की तरफ से बोल रहा हूँ कि हम भारत से प्यार करते हैं, हम भारत को एक बड़े मित्र के रूप में देखते हैं और सभी क्षेत्रों में आपसी संबंधों को बढ़ाने की आशा रखते हैं। अगस्त महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसराइल के पीएम नफ्ताली बेनेट के साथ फोन पर बातचीत भी की थी और इस समय भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 लड़ाकू विमान इजरायली वायुसेना के साथ युद्धाभ्यास भी कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इसी से जुड़ी खबर, जहाँ प्रधानमंत्री बेनेट को भारत यात्रा का न्योता दिया गया है। दोस्तों जयशंकर ने मुलाकात करके सामरिक रिश्ते मजबूत करने पर जोर दिया। जी हाँ, अगर आप भी उनका भारत में वेलकम करते हैं तो वेलकम टू इंडिया नफ्ताली बेनर्जी कहना मत भूलिएगा इसराइल के पीएम को। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर काबुल से पड़ोसी देश में ना फैले आतंकवाद, भारत के मित्र रूस की तालिबान को बड़ी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, रूस ने अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति पर आयोजित बैठक में तालिबान को सख्त लहजे में नसीहत दी है। दोस्तों रूसी विदेश मंत्री सरगेई लावरो ने कहा है कि अफगानिस्तान की अस्थिरता का फायदा अलकायदा और ISIS जैसे खूंखार आतंकी संगठन उठा सकते हैं। उन्होंने तालिबान को आगाह किया है कि अफगानिस्तान की जमीन को किसी तीसरे देश, खास करके पड़ोसियों, हमारे दोस्तों और मध्य एशिया में सहयोगियों के हितों के खिलाफ इस्तेमाल होने की अनुमति ना दे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहाँ पर हिंसा पर बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है, सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा की जाएगी। जी हाँ, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमलों की खबरों के बीच देश के गृह मंत्री असदुज्जम्मा खान इकमाल ने कहा कि यह हमारा अंदरूनी मामला है और जिस तरह देश किसी और राज्य के मामले में दखल नहीं देता, उसी प्रकार किसी और देश को इस मामले में नहीं बोलना चाहिए। हम अपने में ही इस मामले को सुलझा लेंगे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि अन्य देश अगर इसमें दखल नहीं देगा तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होता ही रहेगा, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी दोस्तों? इस गृह मंत्री के बयान को लेकर आपकी क्या राय होगी, जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट में। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहाँ पर इसराइल और सऊदी अरब के बीच क्या सामान्य हो जाएंगे संबंध। जी हाँ, अमेरिकी NSA ने की है सऊदी के प्रिंस से बात। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस से मुलाकात की है। दोस्तों इस बैठक के दौरान कथित तौर पर सऊदी अरब और इसराइल के बीच संबंधों को सामान्य करने की संभावना पर चर्चा की गई है। ये
रिपोर्ट इजरायली अखबार हार्टेज ने दी है। जी हाँ दोस्तों, अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि सुलिवन ने सऊदी अरब के अब्राहम समझौते में शामिल होने के विचार को आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि पिछले एक साल में कई अरब देशों और इसराइल के बीच संबंध सामान्य हुए हैं। सुलिवन सऊदी पहुंचने वाले टॉप अधिकारी हैं दोस्तों। उनकी ये यात्रा तब हुई है जब अमेरिका यमन में हूती विद्रोहियों के साथ सालों से जारी युद्ध में युद्ध विराम की ओर बढ़ने के लिए सऊदी अरब सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहाँ कश्मीर में दुबई के निवेश से पाकिस्तान में मच गया है खलबली। पूर्व राजदूत भड़क उठे हैं दोस्तों, और भड़कते हुए कहा कि सारे मुस्लिम देश यही करेंगे। जी हाँ, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के 2 साल बाद केंद्र सरकार ने इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। मिडल ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में शुमार दुबई, जम्मू और कश्मीर में निवेश करने जा रहा है दोस्तों। केंद्र सरकार ने सोमवार को बताया है कि दुबई में जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, और अभी इस बात की जानकारी नहीं है कि यूएई का शहर दुबई जम्मू और कश्मीर में कितनी राशि निवेश करने जा रहा है। और इस समझौते के तहत दुबई कश्मीर में औद्योगिक पार्क, आईटी टावर, बहुउद्देशीय टावर, लॉजिस्टिक टावर्स, मेडिकल कॉलेज और एक विशेष अस्पताल सहित बुनियादी ढांचे का निर्माण करेगा। जी हाँ दोस्तों, गौरतलब है कि दुबई के इस कदम को पाकिस्तान के लिए एक और झटका कहा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कश्मीरी मुद्दे पर पाकिस्तान यू भी इस्लामिक देशों की बिरादरी में अलग थलग पड़ चुका, और ऐसे में सऊदी अरब जैसे बड़े देशों का भारत का साथ देना और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। दोस्तों क्या कहना चाहेंगे ऐसे में आप लोग, और इस प्रोजेक्ट की अगर आप भी सराहना करते हैं तो हमारा समर्थन इस प्रोजेक्ट के लिए, थैंक यू दुबई कहना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में डबल गेम खेल रहा पाकिस्तान, क्या बढ़ेंगे आतंकी हमले। जी हां, एक्सपर्ट्स ने दी है बड़ी चेतावनी, काबुल की सरकार का गिरना और इसकी जगह इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान के आने से एक बार फिर आतंकियों के मंसूबों को बल मिल गया है दोस्तों। तालिबानियों को पाकिस्तान से मिल रही शह के बाद अब आशंका जाहिर की जा रही है कि इससे दुनिया भर के उन देशों में आतंकी हमले बढ़ेंगे जहां लोकतंत्र का राज है। कनाडा के एक थिंक टैंक ने अपने अध्ययन में पाया है कि अफगान तालिबान और तहरीके तालिबान के बीच मजबूत गठजोड़ की वजह से लोकतंत्र समर्थक में देशों में हिंसा बढ़ने की आशंका है। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान क्रिकेट में मचा बवाल, पीसीबी पर लगे बेहद ही ज्यादा गंभीर आरोप। दरअसल पाकिस्तान क्रिकेट में आए दिन कुछ ना कुछ बवाल मचता ही रहता है। कभी इस टीम के खिलाड़ी आपस में भिड़ जाते हैं, तो कभी मैनेजमेंट में किसी ना किसी को लेकर विवाद बढ़ जाता है दोस्तों। अब भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप से ठीक पहले पाकिस्तान क्रिकेट में नया बवाल हो गया है दोस्तों। इस बार एक दिग्गज क्रिकेटर ने इस टीम के मैनेजमेंट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ दोस्तों, बता दे पूर्व कप्तान मिर्बाह उल हक ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट में तब तक कोई सुधार नहीं होगा जब तक वो व्यवस्था में बदलाव नहीं करेगा। जी हाँ, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां अब सुअर की किडनी से बचेगी मरीजों की जान, सफल हुआ दुनिया का पहला ऑपरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए जरूरी खबर है, बता दें आपको, दुनिया में खराब किडनी से जूझ रहे लोगों यानी लाखों लोगों को ट्रांसप्लांट के अभाव में अब अपनी जान नहीं गंवानी पड़ेगी दोस्तों। डॉक्टरों ने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक ऐसा क्रांतिकारी तरीका खोज लिया है जिससे दुनिया में लाखों मरीजों की जिंदगी बचाने का रास्ता साफ हो गया है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में दुनिया में पहली बार सुअर की किडनी को इंसान के शरीर में ट्रांसप्लांट किया गया है दोस्तों। ये कारनामा न्यूयॉर्क शहर के NYU लैंगोन हेल्थ मेडिकल सेंटर के सर्जनों ने किया है, और ट्रांसप्लांट होने के बाद सुअर की किडनी मरीज के शरीर में सही ढंग से काम कर रही है। जी हाँ दोस्तों, हमने सोचा ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है दोस्तों, क्योंकि हर चीज की जानकारी आज के टाइम में होना बेहद जरूरी। अगर आप भी इससे एग्री करते हैं तो कृपया करके दोस्तों इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप तक खबर पहुंचाने के लिए, हमारी इस मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर रूस में कोरोना से अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हुई है दोस्तों, जिसको लेकर राष्ट्रपति पुतिन ने किया है एक हफ्ते की छुट्टी का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, बताते बीते 24 घंटे में देश में यानी रूस में 1028 लोगों की मौत हो गई है। जी हाँ दोस्तों,
अगर कुल मौतों की बात करें 49 लाख के पार पहुंच गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा गुरुवार को होगा पूरा, यानी आज पूरा हो जाएगा। दोस्तों राम मनोहर लोहिया अस्पताल जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जी हाँ दोस्तों, COVID-19 महामारी के खिलाफ जारी अभियान में आज देश को बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल होने वाली है। बता दे आज यानी 21 अक्टूबर को देश में कोरोना वैक्सीनेशन का 100 करोड़ डोज का आंकड़ा पूरा होने वाला, और इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज सुबह 10:30 बजे दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में जाएंगे और फ्रंट लाइन वर्कर से मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू भी समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश शासन ने कोरोना के कम होते मामलों को देखते हुए रात्रि कालीन कोरोना कर्फ्यू यानी रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक समाप्त करने का निर्णय ले लिया है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सरकार हुई गंभीर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तेल कंपनियों के सीईओ के साथ की है इसको लेकर बैठक। जी हां दोस्तों, देश में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की प्रमुख तेल एवं गैस कंपनियों के सीईओ के साथ बुधवार को बैठक की। इसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरपर्सन, चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी, रोशन नेफ्ट रूस के अध्यक्ष और सीईओ डॉक्टर इगोर सेचिन और सऊदी अरामको के अध्यक्ष और सीईओ अमीन नासर समेत कई हस्तियों ने भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर भारत से नेपाल तक तबाही का बड़ा मंजर के बीच बाढ़ और लैंडस्लाइड से अब तक 116 लोगों की हो गई है मौत और दर्जन हो चुके हैं लापता। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो दिवाली छठ से पहले यात्रियों को बड़ी राहत, 2 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाएगा रेलवे। जी हाँ दोस्तों, रेल की ओर से पूजा, दिवाली त्योहारों में यात्रियों की सुविधाओं के लिए 2 जोड़ी स्पेशल रेल सेवाओं में द्वितीय शयन यान क्षेत्र श्रेणी डिब्बे की अस्थायी बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें, इस बारे में उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने विस्तृत जानकारी दी है। आपको बता दें दोस्तों, वो कौन सी 2 स्पेशल ट्रेनें हैं जिनमें डिब्बों में बढ़ोतरी की जा रही है। दोस्तों दरअसल गाड़ी संख्या 04707 और गाड़ी संख्या 09715। जी हाँ दोस्तों, और इनके वापसी की बात करें तो 08 और 16 कर दीजिए। और ये ट्रेन कहां से कहां जाएगी दोस्तों, सारी डिटेल डेट वाइज हमने स्क्रीन पर दिखा दी, आप देख पा रहे होंगे। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर सबसे सस्ता होम लोन दे रहा है ये बैंक। इस लिस्ट में हर चीज आपको ब्याज के दर के हिसाब से हमने बताया। आपको बता दे दोस्तों कि फेस्टिव सीजन में अधिकतर लोग कुछ ना कुछ खरीदने का प्लान बना रहे हैं। कुछ लोग 2 पहिया तो कुछ लोग 4 पहिया वाहन खरीद रहे, और इनके अलावा काफी लोग ऐसे भी हैं जो अपना आशियाना खरीदने की तैयारी कर चुके हैं और कम ब्याज दरों के लिए बैंकों की लिस्ट खंगाल रहे हैं। जी हाँ, दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC और LIC हाउसिंग फाइनेंस सस्ता होम लोन ऑफर कर रहे हैं दोस्तों। और इस रिपोर्ट में हम आपको हर बैंक के होम लोन पर ब्याज दरों की जानकारी भी दे रहे हैं। आप स्क्रीन पर HDFC, LIC, यस बैंक, कोटक महिंद्रा के ये लिस्ट देख पा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इनमें लोन लेना चाहते हैं, होम लोन खास करके, तो बेझिझक ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि त्योहारी यानी फेस्टिव सीजन में काफी ज्यादा सस्ता लोन मिल रहा है आपको दोस्तों। ऐसे में इन्फॉर्मेटिव खबर आपके लिए हम लेकर आए थे, क्योंकि इस त्योहारी सीजन में आपके लिए बहुत जरूरी खबर हो सकता है, क्योंकि हर कोई कुछ ना कुछ त्योहार पर जरूर खरीदता है दोस्तों। और ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबरें कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद।